प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने 15 सीटों पर और कांग्रेस ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है। भाजपा की ओर से पहली सूची जारी कर राजस्थान की 25 सीटों में से 15 पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। साथ ही कांग्रेस ने भी राजस्थान की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 4 केंद्रीय मंत्रियों सहित 9 मौजूदा और 3 पूर्व सांसदों पर एक बार फिर से दांव खेला है, जबकि एक राज्यसभा सांसद, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र जाजड़िया सहित 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। भाजपा की अपनी तैयारियां पूरी है और भाजपा सिर्फ चुनाव में नहीं, अनवरत 5 वर्षों तक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सेतु का काम करती है, सेवा के काम करती है, काम करती है 5 वर्षों तक जनता के बीच में। चुनाव में तो वो पॉलिटिकल पार्टी आती है जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आती है, फिर वापस 5 साल गायब हो जाती है। इसलिए भाजपा की अपनी तैयारियाँ पूरी है और देश और प्रदेश की जनता ने भी तय कर लिया है। देश में 400 पर और राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाकर मोदी, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ घोषणे किए और झूठे वादे किए। इनको अब सहन नहीं हो रहा है कि यमुना जल समझौता कैसे हो गया, ERCP का 45,000 करोड़ का बजट और इतना आवंटन और किस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया में आ गया। तो इन्होंने सिर्फ नारे वादे दिए, सिर्फ इस प्रकार के काम के, लेकिन भाजपा काम कर रही है तो इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद और राज्य में मंत्री रहे महेंद्र जीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा से और हाल ही में भाजपा में शामिल हुई सांसद ज्योति मिर्धा को नागौर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली को भरतपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो वहीं कांग्रेस ने भरतपुर से संजना जाटव को टिकट दिया है। भाजपा ने जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर और चूरू से मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। सर, मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो अपनी हार है वो हार नहीं मानी है, मात्र 205 वोटों से थी, पार्टी ने दोबारा मौका दिया है जीत के लिए, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल सर, मैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रबंध में चुनाव लड़ेंगे, रणनीति से लड़ेंगे, जितने भी MLA हैं तैयारी से, एक अच्छी जो तरीके से प्लानिंग से हर चीज से और आगे चुनाव लड़ेंगे। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह 5वीं बार, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से 4थी बार, ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, सुमेधानंद सरस्वती और PP चौधरी को 3री बार मौका दिया गया है। कांग्रेस ने बीकानेर से गोविंद मेघवाल, चूरू से राहुल कस्वा, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव को मैदान में उतारा है। भाजपा के उम्मीदवारों की सूची में पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए 4 प्रत्याशियों में यादव के अलावा जाजड़िया को चूरू से, मन्नालाल रावत को उदयपुर और लुम्बाराम चौधरी को जालौर सिरोही से चुनाव मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने भरतपुर से संजना जाटव, टोंक से हरीश मीणा, जोधपुर से करण सिंह उचियाडा, जालौर सिरोही से वैभव गहलोत, उदयपुर से ताराचंद मीणा और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना को टिकट दिया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, प्रदेश में सियासी हलचल और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।